तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये बनाते हैं केसर पिस्ता वाली चमचम। ये देखिए, बिना गैस जलाए देखिए कितनी मजेदार बनके तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता की इस थाली का। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ममता। आज हम क्या बनाएंगे? अभी हमारे बहुत सारे फेस्टिवल से स्टार्ट हो गए हैं और होने वाले हैं। सावन की तीज चली गई है, तो क्या होता है कि हमारे घर में मेहमान भी आते हैं और हमें जल्दी भी होती है, बहुत सारा खाना भी बनाना होता है। तो आज हम झटपट से बहुत ही, जो मार्केट में बहुत ही महंगी मिठाई मिलती है, हम चुटकियों में बनाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। इसमें आप बच्चों की क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं, बच्चों को भी अपने साथ लगा सकते हैं हाथ क्लीन करके। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ये यम्मी सी स्वीट। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया है, ये मैंने 1 कप कोकोनट पाउडर लिया है, जो कि मार्केट में किसी भी स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाता है। नहीं मिलता तो आप सूखा वाला गोला लीजिए, उसका छिलका उतारिए, उसे पीसेस करिए और मिक्सी में चला लीजिए, बनके तैयार। पर इतनी मेहनत भी क्यों करनी, बना बनाया मिल जाता है। और ये देखिए, मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और ये मैंने कौन सा लिया है, नेस्ले का लिया है, जो कि स्किम्ड है और ये थोड़ा स्वीट होता है, इसलिए मैंने शुगर कम लिया है। मैंने 3 टेबल स्पून इसमें शुगर लिया है। और ये देखिए, मैंने पिस्ता चॉप करके ले लिए हैं। और ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, मैंने कहा ना गैस नहीं चलाऊंगी, तो मैंने क्या किया, माइक्रोवेव में थोड़े से दूध को 30 सेकंड के लिए गर्म किया और उसमें मैंने केसर की तरह डाल के रख दी है। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर बन के तैयार हुआ है। और ये मैंने काजू लिए है। इसी में हमने क्या करा, कोकोनट पाउडर डाला, हमने मिल्क पाउडर डाला और हमने काजू डाल लिए। अब ये देखिए, मैंने हरी इलायची ली है, इनको मैं छील के इसी के अंदर डाल देती हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने हरी इलायची ली है, इसको हम छील के, ये देखिए इसके छिलके नहीं डालेंगे, और इस छिलके का बताती हूँ। ये आपकी जहाँ आप चाय पत्ती रखते हैं ना, उसमें डाल लीजिए, उसकी बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी आप जब चाय बनाएंगे। तो ये डाल लेते हैं। और इसके बाद आप चाहे तो इसकी जगह बादाम भी ले सकते हैं या इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो बस अब क्या कर रहे हैं, अब हमें इसको पीसना है। तो चलिए हम मिक्सी में इसे अच्छे से पीस लेते हैं। देखिए, ये हमने मिक्सी में चला के ले लिया और ये बिल्कुल खोए जैसा पाउडर बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, बता देती हूँ कि मैंने इसे मिक्सी क्यों किया, क्योंकि मिक्सी करने से जो नारियल है वो खोए के टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा, नारियल के दाने दाने नहीं आएंगे मुंह में। और ये मिठाई पूरे संसार के भाइयों के लिए, और विशेषकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे बाहर रहते हैं और उन्हें इंडियन स्वीट मिल नहीं पाती, झटपट से 5 मिनट में, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हैं चाहे जॉब करने वाले बच्चे हैं, फटाफट से बना पाएंगे। और ये मेरी मिठाई सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और ये हम तीनों का जो प्यारा सा एक भाई है उसके लिए। भाई सॉरी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी रक्षाबंधन पे, आ नहीं पा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही मिलेंगे हम। और मेरी एक बहन जा रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि ये मिठाई बनाए और अपने भाई को टीका करे और हमारी तरफ से भी टीका करे। भाभी, आपको भी नहीं भूली हूँ, क्योंकि आप तो हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो और आपको हमेशा से मेरे लुम्बे का इंतजार रहा है, इस बार भी मिल गया होगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम बोल में निकाल लेते हैं। अच्छा, ये देखिए हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें बिल्कुल चिल्ड मिल्क लेना है, फ्रिज का रखा हुआ बिल्कुल चिल्ड मिल्क लेना है। और ये हमने लिया है जो, जिसमें हमने केसर डिप करके रखा था। तो अभी हमें क्या करना है, हम इसके जो थ्रेड्स हैं ये हम साइड करेंगे, क्योंकि हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होंगे। और हम ये ऐसे ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, हमें आर्टिफिशियल कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे थोड़ा सा डालेंगे और इसको खूब अच्छे से, हाथ क्लीन होने चाहिए, मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने केसर वाला सारा मिल्क डाल लिया है। और ये देखिए अभी, हाँ अब हम देखेंगे, अब हमें स्पून स्पून करके मिल्क डालना होगा जो हमने ये चिल्ड मिल्क लिया है। ये देखिए, क्योंकि हमें गीला बिल्कुल नहीं करना है, हमें ये बिल्कुल डो फॉर्म में बनाना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये जो हमारा केसर वाला बन के तैयार हुआ डो, इसमें से थोड़ा सा डो अलग निकाल लेंगे। ये देखिए, ये निकाल लिया हमने थोड़ा सा डो, हमने थोड़ा सा डो अलग निकाल लिया। और हमने ये जो पिस्ता लिए थे, इस अब क्या करेंगे, हम इसकी फिलिंग क्या करेंगे। देखिए, ये हमने अलग निकाल लिया, ये हमने डो अलग निकाल लिया, और अब हम इसमें थोड़े से ये पिस्ता डालेंगे। पिस्ता डाल लिए और इसी तरह से
अब हम इसमें थोड़े से काजू डालेंगे। देखिए हमने काजू डाल लिए, पिस्ता डाल लिए, अब हम क्या करेंगे, हल्का सा वो देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए मैंने ये ग्रीन पाउडर वाला कलर लिया है, ये मैं इसमें खाने वाला कलर ऐड कर दूंगी। अच्छा लिक्विड क्यों नहीं लिया, क्योंकि अंदर से डो हमारा लिक्विड हो जाएगा, तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी फिलिंग कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है, कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो बस देखिए चिकना कितना है, कितना बढ़िया है, और ये बिल्कुल खोए जैसा लगेगा। अब हम इसकी ऐसे छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, ऐसे ये देखिए ऐसे फिलिंग की ऐसे छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। अभी देखिए मैंने हाथ पे हल्का सा घी लगा लिया है, ये मैंने देसी घी लगाया है हाथ पे, और हाथ क्लीन कर लिए क्योंकि ग्रीन कलर मेरे हाथों में आ चुका था, तो मैंने उसको क्लीन कर लिया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम एक नाप कर लेंगे कि हम उसी नाप से लेंगे, और ये देखिए मैंने ये पेड़ा लिया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे, इसमें हथेली से ऐसे बना लेंगे। कोई भी नाप ले लीजिए आप, टेबल स्पून ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और ये देखिए हमने ऐसे बना लिया है, और इसके बीच में जो हमने फिलिंग बना के रखी थी इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। चमचम बना रहे हैं तो केसर पिस्ता की, तो ये देखिए इसको रोल कर लीजिए, ये देखिए हमने इसको रोल कर लिया है, और इसे और अच्छे से रोल कर लीजिए। आप जैसी बनाना चाहें, आप गोल बनाना चाहें तो चमचम की अच्छी लगती है ऐसे तो। और अब ये देखिए मैंने ये कोकोनट पाउडर लिया है, इसमें इसको हम रोल कर लेंगे, रोल करके और अच्छे से झाड़ लेंगे, ये देखिए, और इसको ऐसे निकलते जाएंगे, और फिर ऐसे लेंगे, आप डो लेंगे और डो को हाथ पे लेंगे, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना इनका अपना भी ऑयल बहुत है। और ये देखिए ऐसे फैलाएंगे, और इसके अंदर आप फिलिंग रखेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, और ये देखिए हमने फिलिंग रखी, और इसे फिर कर लेंगे। देखिए बनी ना कितनी ज़बरदस्त और कितनी जल्दी। अच्छा और ना आपको इसमें बाहर से खोया लेने की भी ज़रूरत नहीं है, गैस जलाने की भी जरूरत नहीं है, बैठे बैठे कितने आराम से बन गई, ये देखिए खूब अच्छे से रोल कर रहे हैं और निकालते जा रहे हैं। देखिए केसर से हमने गार्निश कर दिया है, और हमने केसर पिस्ता बनाई है तो पिस्ता से भी गार्निश कर देते हैं। देखिए देखिए हमारी मिठाई कितनी बढ़िया चमचम बन के तैयार हो गई है, केसर पिस्ता देख रहे हैं आप, और मैं आपको दिखाती हूँ देखिए सॉफ्ट कितनी है, ये देखिए ये देखिए वाह, देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है ना ये चमचम की मिठाई, है ना कितनी मज़ेदार सी, कितनी अच्छी सी मिठाई है। तो देखिए कितनी बढ़िया मिठाई बनके तैयार हुई है, इस बिजी शेड्यूल में आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बिल्कुल मत लिखना भूलना कि आपको यह मिठाई कैसी लगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, और आज तो सबको अपना रिश्ता निभाना है, जितने संसार में भाई हैं उन सबको रिश्ता निभाना है, सारी बहनों को रिश्ता निभाना है, और सबको ये शेयर करनी है ताकि सारे संसार के भाई बहन ये बना के मिठाई एक दूसरे को टीका कर सके। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ।